हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डी सी आर सेंटर नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आई सी टी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो इफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टेक्नोलॉजी है इसका रिसोर्सेज क्या है इसका एप्लीकेशन क्या है ये आपका बहुत एल पी एंड यू पी के लिए ये कम्बाइंड वीडियो होगा तो यू पी वाला भी देख लीजिए लोअर प्राइमरी वाला भी ये वीडियो देख लीजिए जो लोअर प्राइमरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको इतना ज़्यादा डिप में नहीं पढ़ना पड़ेगा अपर प्राइमरी को थोड़ा डिप में पढ़ना पड़ेगा तो पहले देखेंगे आई सी टी आई सी टी स्टर्नफोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसको हम मैथ्स में कैसे यूज़ करेंगे जो इनफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर बोलेंगे तो इसमें आपका रेडियो आ गया आपका मोबाइल आ गया टी आ गया इंटरनेट आ गया ये सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसी से बच्चे को हम सिखा सकता है पहली टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स ये सब चीज़ यूज़ करके बच्चे का जो रियल जो मैथमेटिक्स है और ज़्यादा इंटरेस्टिंगली पढ़ा सकता है और बच्चे को ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो क्यूटर के माध्यम से बच्चे को हम टिक्नोमेट्री सिखा सकते हैं थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं इसमें ट्राइंगल बना कर दिखा सकते हैं सब कुछ यहाँ पर बच्चे को एकदम रियल लाइफ की तरह दिखा सकते हो बच्चे को ये जो आई सी टी है आई सी टी बहुत इंपॉर्टेंस है इन्वामेंट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो इसमें देखेंगे ICT gives educator गिव्स एडुकेटर to take टू टेक the ऑफ that नोशन help कैन हेल्प स्टूडेंट इन mathematical idea and आइडिया एंड कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिकल आइडिया एंड कॉन्सेप्ट है ना बच्चे को वो विजुअलाइज करने को मिलता है कोई कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है थ्री डी कॉन्सेप्ट है जो हम नॉर्मल बोर्ड में बनाने से बच्चे को समझने में प्रॉब्लम होता है जैसे की हो गया ऐसा टाइप का जब थ्री डी कॉन्सेप्ट होता है ना, वो अगर आप बोर्ड में ड्राइंग करोगे या तो कोई पिक्चर दिखाओगे तो बच्चे को इतना समझ में नहीं आएंगे उसको अगर आप कंप्यूटर में उसको थ्री को घुमा के दिखाओगे ना बच्चे को तो बहुत अच्छे से उसको समझ में आएंगे फिर देखिए एस इलास्ट्रेट वेरियस मैथमेटिकल इमेजेस ऑफ़ ज्योमेट्री कैन बी रिप्रेजेंट टू द स्टूडेंट यूजिंग द प्रोजेक्टर आप इसमें बहुत ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंगली आप प्रोजेक्टर के यूज़ करके बच्चे को दिखा सकते हैं द यूज ऑफ आई सी टी इन टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल इमेजनरी विद हेल्प एंड ओबियस आइडिया ऑफ द स्टूडेंट ये टू डी और थ्री डी पिक्चर जब बच्चे को दिखाओगे ना बच्चे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा मैथ का कॉन्सेप्ट इस्पेशली द जोमेट्री में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट द न्यू इन्फॉर्मेशन एंड डाटा आर ऑल एवेलेबल टू द स्टूडेंट्स ये जो इंटरनेट है इंटरनेट की वजह से हम लोगों का कोई भी नया नया चीज़ डेवलप हो रहा है नया नया इनोवेशन हो रहा है तो ये इजीली अवेलेबल है आप जाके गूगल में सर्च करो कोई भी चीज़ आपको इजीली वहाँ से अवेलेबल मिल जाएंगे फिर देखिए हुई डिफरेंट थियोरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ पॉसिबल टू मेक आई सी डिपेंडेंट ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो ट्रिगोनोमेट्री थ्योरी है ना उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में करके दिखा सकते हो जैसे ये वाला दिखाया था यहाँ पे टिकोनोमेट्री है ना ये सब चीज़ आप प्रैक्टिकली बच्चे को दिखा सकते हो ये सॉफ्टवेयर में तो नेक्स्ट देखिए आई टूल्स एंड रिसोर्सेज ये सारा आपका टूल्स एंड रिसोर्सेज है आई सी का ये सारा आप पढ़ लेना क्या क्या चीज़ है डे टू डे लाइफ में आप टीचिंग लर्निंग में यूज कर सकते हो फिर देखिए और रिसोर्स देखिए आप इसमें मैथमेटिक्स लेबोरेटरी मैथमेटिक्स लेबोरेटरी क्या होता है मैथ लैब इसे प्लेस हुए लर्नर गेट अपॉर्चुनिटी टू तो एंगेज विद द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स एक्सपेरिमेंट मैथमेटिकल थ्योरी सॉल्व मैथमेटिकल पाजल मैथमेटिकल गेम एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड सो ऑन ये मैथमेटिकल्स लेबोरेटरी में बच्चा गेम्स पाजल ये सब इसमें अपॉर्चुनिटी मिलता है करने के लिए ये एग्जांपल देख सकते हो आप मैथमेटिकल लेबोरेटरी का तो ये सारा चीज़ इसमें होता है अवेलेबल बच्चा जाके उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसको आप कर सकते हो इसमें वेरियस टाइप्स का पाजल्स होता है गेम्स होता है आप इजीली उसमें जाके पार्टिसिपेट करके उसमें सीख सकते हो ये जो मैथमेटिक्स क्लाब्स एंड फॉराम्स हैं ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी बच्चा जाके एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ये एक टर्म याद रखना है। जो एन सी एफ टू क्या बोला था बच्चे को मैथमेटाइज करना चाहिए मैथमेटाइजेशन ऑफ दी लर्नर थाट प्रोसेस लर्नर थाट प्रोसेस को मैथमाटाइज करना चाहिए मतलब एक्टिविटी को बच्चे से सिखाना चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए ये जो मैथमेटिक्स क्लाब और फॉरम होता है ना ये उसमें जाके आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो वो टीचर लोग कॉन्डक्ट करता है या तो स्टूडेंट वो फॉर्म बनाता है क्लब बनाता है उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है डिबेट कॉम्पिटिशन होता है वेरियस गेम्स एंड पासर्स होता है बहुत सारा चीज़ वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है वो टीचर उसमें गाइड करता है बच्चा खुद का खुद सीखता है उसमें तो ये भी एक रिसोर्सेज है वहाँ जाके भी बच्चा सीख सकता है और ये मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर क्या है बहुत सारा मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर आता है उसमें से बच्चे को बहुत ईजिली आप मैथमेटिक्स सिखा सकते हो जैसे जियो स्मिथ स्टूडियो ये सारा बहुत चीज़ है जैसे आपका डिजिटल बोर्ड आ गया आपका बहुत सारा ऐसे मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसमें से बच्चे को बहुत इजीली आप सिखा सकते हो जैसे ये देखिए जियो जाफ्रा जियो क्या है जियो इसमें बच्चे को जेमिट्री एल और स्प्रेड शीट एंड ग्राफ स्टेटिक एनालिसिस कैलकुलस ये सारा चीज़ ये जियो जाफ्रा सॉफ्टवेयर में सिखा सकते हो जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हो ना इसमें ये ये पिक्चर देख सकते हो ना यहाँ पे ये जियो जाफ्रा सॉफ्टवेयर का वो डैशबोर्ड है इसके अंडर में बच्चे को जीमेट्री का शेप बना दे सकते हो थ्री बना सकते हो इसमें बच्चे को एल सिखा सकते हो इसमें ग्राफ्स सिखा ग्राफ सकते हो स्टेटिक्स सिखा सकते हो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट है ये सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर में बहुत सारा चीज़ सिखाया जाता है इसलिए जियो ज़ाफ्रा बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए यहाँ पे सिन्द्रेला टू ये सिंध्रेला टू भी एक सॉफ्टवेयर है इसमें बच्चे को ज्योमेट्री सिखा जाता है इसमें जैसे ये ज्योमेट्री का फिगर बना के कंप्यूटर में सिखा रहा है ये जो पिकासा है पिकासा ये गूगल का है इसमें जो विजुअल इमेज वगैरह दिखा के बच्चे को सिखा सकते हो और इसमें देखिए अदर रिसोर्सेज साथ जियो बोट भी एक रिसोर्सेस है ट्राइंगल बनाने के लिए बोल सकते हो इसमें स्क्वायर बना के दिखा सकते हो तो ये जियो बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को सीखने के लिए छोटा बच्चा को जियो बोट में क्या सीखता है बच्चा प्लेन जीमेट्री फिगर साथ पेरीमीटर एरिया ये सब सीखता है लेकिन जियो जाव्रा में उसमें प्लेन नहीं हुए थ्रीडिकल शेप भी सीख सकता है उसमें बहुत हाई क्वालिटी जीमेट्री भी सीख सकता है जियो जॉबरा ऐप से इसमें और भी देखिए जैसे डॉट डौ, डौ, पेपर हो गया ग्राफ पेपर हो गया ये सारा शेप ग्राफ बनाने के लिए ये डॉट पेपर यूज़ किया जाता है जैसे आपको यहाँ पर ट्राइंगल बनाना है तो इसमें डॉट डॉट में बना के आप ट्राइंगल बनाओगे इसमें जो ग्राफ पेपर होता है वो ऐसा टाइप का होता है ग्राफ पेपर तो उसमें भी आप ऐसे ग्राफ बना सकते हो ये भी एक रिसोर्सेज है और ये एवास्कस है एवास्कस क्या होता है बच्चे को एडिशन सब्स्रक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सीखा जाता है ये ब्लाइंड चाइल्ड के लिए भी यूज़ किया जाता है नॉर्मल चाइल्ड के भी नॉर्मल चाइल्ड के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो ये एवास्कस बहुत अच्छा है छोटा बच्चा को एडिशन सब्सट्रक्शन ये सब सिखाने के लिए तो और रिसोर्सेज देखिए ये जैसे टेलर फ्रेम है टेलर फ्रेम मेनली ब्लाइंड चाइल्ड के लिए यूज़ किया जाता है ये बैरल लिपि है बैरल मतलब ये जो लिखा है लिखा ऊपर ऊपर में होता है तो बच्चा हाथ में सेंस करके इसमें सीख सकता है बैरल स्लेट भी है उस उसमें से भी बच्चा सीख सकता है तो ये विजुअल चैलेंज चिल्ड्रन के लिए ये सब यूज़ किया जाता है तो अभी क्वेश्चन देखेंगे अभी ये क्वेश्चन आपका अपर प्राइमरी अपर प्राइमरी में आया था ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया इन प्लेन फिगर जो प्लेन फिगर का जो चीज़ है ना एरिया पैरामीटर अभी हमने बोला था का कौन सा चीज़ से आप सिखा सकते हो तो जो ये जियो बोर्ड है ना जियो बोर्ड में बच्चे को प्लेन फिगर के बारे में अच्छे से सिखा सकते हो जियो जबरा में ये थ्री होता है डॉट पेपर में तो आपका ग्राफ वगैरह होता है ये जो एवस्कस है एवस्कस ब्लाइंड चाइल्ड के लिए यूज़ किया जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका आंसर आपका होगा जियो बोर्ड जियो बोर्ड में हमने क्या था बोला था यहाँ पर ये जियो बोर्ड में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान एंड जीमेट्री साथ पैरिमीटर एन एरिया इसमें हम कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वॉइस ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ लर्निंग रिसोर्सेज फॉर विजुअली चैलेंज इन मैथमेटिक्स क्लासरूम जो बच्चा विजुअली चैलेंज है कौन सा हम उसमें रिसोर्सेज यूज करते हैं कर सकते हैं उस बच्चे को पढ़ाने के लिए ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन में एक सिंपल ट्रिक्स है आप यही सिंपल ट्रिक्स से आप कर सकते हो जैसे कंप्यूटर है कंप्यूटर में तो विजुअल बच्चा जो है वो तो नहीं कर पाएंगे ना कंप्यूटर में कंप्यूटर में तो देखना पड़ेगा देख के करोगे ना उसमें बिना देख के तो नहीं कर पाओगे तो जहाँ जहाँ कंप्यूटर है ये सारा क्वेश्चन हटाओ आप यहाँ पे कंप्यूटर है ये यह हटाओ यहाँ पे भी कंप्यूटर है ये ये हटाओ ये भी कंप्यूटर है ये भी हटाओ तो आपका एक ही ऑप्शन बच गया तो करेक्ट होगा आपका ये वाला ऑप्शन ये टेलर एवस का फ्रैक्शन किट नंबर चार्ट ये सब यूज़ करके विजुअल चिल्ड्रेन को सिखाया जाता है तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन आने से ना आप कॉमन सेंस लगा के भी यूज़ कर सकते हो इसमें बहुत इजी होता है ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर आप इसमें कॉमन सेंस यूज करोगे तो ये वीडियो इतना ही था थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास